सत श्री अकाल जी, मेरा नाम बलजीत कौर है तो मैं स्टाफ नर्स हाँ DMC हॉस्पिटल दे विच थैलासीमिया वार्ड विच। मैं बलजीत कौर, मैं तुहानू अपने बारे दसांगी। मैनू खुद नू ही थैलासीमिया की प्रॉब्लम है। जदों मैं 5 साल की सी उदों तो मैनू पता लग्या, डायगनोज होया मेरा कि मैनू थैलासीमिया की प्रॉब्लम है। शुरू दे विच थोड़ा जिहा तां वरिड हुंदा ही है, पर हर एक जिहनू पता लगदा है फैमिली नू, मदर फादर नू। असीं तां बच्चे सी, सानू तां इन्ना नहीं नॉलेज सीगी उदों। मदर फादर एक बार तो शॉक होए थे कि बच्चों नूं किदां हो गया, पूरी उन्हां दी फैमिली दे विच बैकग्राउंड च किसी नूं कोई प्रॉब्लम नहीं सी, पर साडे बच्चों नूं किदां हो गया। पर इहदे विच की हुंदा है, ये बीमारी एक्चुअली जेनेटिकली है, ये मदर फादर तो ही अगे जाती है। तो इस करके फिर जो उन्होंने पता लग्या कि थैलेसीमिया की प्रॉब्लम है, ये रैगूलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना है, तो उन्होंने उदा ही हिम्मत नहीं हारी। मेरे मम्मा पापा ने उन्होंने रैगूलर सानू ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया, मैनू तो मेरी सिस्टर नू। असी दोनों भैणा वा, दोनों नू सानू ब्लड चढ़दा है हर 15 दिन बाद। तो उस तो बाद की है, प्रॉब्लम दे नाल नाल उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, हमेशा सानू रैगूलर ब्लड चढ़ाया, प्रोपर डाइट सारा कुछ ध्यान रखते हुए। HbA1c उन्होंने कभी साड़ा घटन नहीं दिता, तो रैगूलर चैकअप करवाई टाइम टू टाइम। उस तो बाद की रैगूलर मैं स्टडी भी करते रहे, असी तो स्टडी दे विच भी अच्छे नंबर लैके असी प्लस टू की। फिर उस तो बाद मेरे मन च सी कि मैं स्टाफ नर्स बना, तो मैं थैलासीमिया बच्चों ही देखा, उन्होंने मैं अवेयर करा, उन्होंने मैं ट्रीटमेंट च हेल्प करा, उन्होंने सारा कुछ दसा। तो मैं अपनी नर्सिंग की है GNM की है, मैं गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल तो अच्छे नंबर लैके डिस्टिंक्शन लैके। तो फिर उस तो बाद मैं जॉब DMC मिली है, तो मैं हूँ मैं 15-16 साल हो गए। मैं थैलासीमिया वार्ड से डॉक्टर पहला सोती सी, उन्होंने अंडर काम करती सी। हूँ साढ़े HOD ने डॉक्टर श्रुति कक्कड़, जिन्होंने अंडर मैं आप पेशेंट की केयर करते हैं। तो ये की है, रैगूलर ट्रांसफ्यूजन कराना असी। मैं पेशेंट नूं, हर एक पेशेंट थैलासीमिया पेशेंट नूं ते उन्हां दे पेरेंट्स नूं यही कहांगी कि तुसी इस जे तुहानूं पता लगदा है तो प्रॉब्लम है, तो घबराना नहीं है, बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी, टेंशन नहीं लैनी। तुसी ये बच्चे अपन नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, रैगूलर ट्रांसफ्यूजन, रैगूलर खाण पीन डाइट, रैगूलर मेडिसन, तो कोई भी ये कुछ नहीं अबनॉर्मैलिटी नहीं होंगी जे आप इन सारिया चीज़ों का ध्यान रखिए। तो तुसीं रैगूलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना है, तो डॉक्टर जिद्दां तुहानूं एडवाइस करते हैं उन्हूं फॉलो करना है। तो अज मैं तुहाडे सामने स्टाफ नर्स बैठी हूँ। मेरी मैरिज भी हो गई है, तो मेरी 38 ईयर ओल्ड हाँ मैं, तो मेरा एक बेबी भी है, बेबी बॉय 5 ईयर्स का, तो बिल्कुल नॉर्मल है, मेरे लाइफ पार्टनर नॉर्मल ने, तो कोई भी दिक्कत नहीं आती अपनी, आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। बाबा जी की कृपा नाल सारा कुछ, उस परमात्मा ने सारा कुछ दिता है। तो ये नाल रब का नाम जरूर लेना है, वध तो वध भगवान के नाल उन्होंने अपना मन जोड़ना है, तो रैगूलर ट्रीटमेंट तुसी अपना कराना है, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इस करके सारे वड्डे पेशेंट्स नूं ते थैलासीमिया पेशेंट दे जिहड़े फादर मदर ने उन्हां दी फैमिली है, मैं यही एजुकेट करांगी, यही उन्हां नूं कहांगी, यही रिक्वेस्ट करांगी कि टेंशन नहीं लैनी, घबराना नहीं है। जे कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उन्हें फेस करो खड़े होके, उन्होंने डरना नहीं है। तो जे मतलब तुसी हले उस अपने लाइफ च, मैरिज लाइफ च एंटर करना है, तो पहला ही तुसी टेस्ट करवा लो, ताकि तुहाडा फ्यूचर सिक्योर हो जाए। थैंक यू।